हरियाणा सरकार अब नगर पालिका नगर परिषद के जो चेयरमैन हैं उनसे अब डीडी पावर लेने जा रही है। इसी बात को लेकर जो है कल जींद में एक पूरे प्रदेश की नगर परिषद की और नगर पालिकाओं के जो प्रधान हैं उनकी एक मीटिंग हुई थी और उनमें जो है सर्वसम्मति से गोहाना के जो नगर परिषद की चेयरपर्सन रजनी बिरवानी उनको स्टेट का प्रधान चुना गया। इनसे पूछते हैं कि इनका आखिर क्या कहना है, जिस तरह सरकार जो डीडी पावर छीनने जा रही है उसको लेकर मीटिंग की थी, क्या कहना है? सरकार ने नोटिफिकेशन भेजा है कि सब अध्यक्षों की डीडी पावर लेने का जो डिसीजन लिया गया है सरकार के अनुचित फैसले से हम सहमत नहीं हैं। कल नगर परिषद नगर पालिका के सभी अध्यक्ष वहाँ इकट्ठे हुए, उन्होंने सभी मेजोरिटी के साथ अपने न्याय के लड़ने के लिए इस लड़ाई के लिए तैयार हुए कि हम सरकार को अपील करेंगे। हम सब ने मिलकर मीडिया के जरिए सरकार तक ये बात पहुंचाई है कि अपने नोटिफिकेशन को वापस लें, हमारी पावर को बढ़ाने की बजाय पावर कम की जा रही है। और सरकार से ये भी कहा गया है कि अगर नगर परिषद का चुनाव डायरेक्ट हुआ है, आपने हमें टिकट दी और हमने मेहनत की और जीत के दावेदार बने, अगर हमें लोगों के बीच में इस तरह से उतारना था और हमारी पावर लेनी थी तो ये फैसला क्यों लिया गया? अगर ये फैसला चुनाव से पहले लिया गया होता तो हम इतनी मेहनत भी नहीं करते और चुनाव भी नहीं लड़ते। और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारे फैसले को सुनेगी। हमने सरकार तक ये फैसला पहुंचाकर उन्हें ये भी कहा है, सभी अध्यक्ष ने मिलकर सभी मेजोरिटी के साथ मिलकर ये बात कही है कि सरकार इस नोटिफिकेशन को वापस ले, अगर नहीं लेगी तो हम सब मिलकर सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। तो जिस तरह से अभी आपने इस्तीफे की बात कही है, क्या इससे पहले किसी अधिकारी से या प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिला जाए, किससे मिला जाएगा? अभी कल ही इस बात के लिए हमने स्टेटमेंट दिया, सरकार तक ये बात पहुंचाई है। आज हम वेट करेंगे और कल अगर तक कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो हम सीएम से मिलेंगे। कब मिला जाएगा, इसके बाद आगे का क्या रुख रहेगा? हम आज की वेट करेंगे, कल तक इसका बनाएंगे, कल सीएम को ज़रूर मिलेंगे। अगर हमारे पास फ़ोन आता है तब भी और नहीं आता तब भी। तो इसमें कोई कमेटी निश्चित की गई है, कितने बंदे जाके मिलेंगे? हाँ, कोर कमेटी बनाई गई, इसके लिए 10 मेंबर चुने गए हैं और हम सब मिलकर अपनी बात रखेंगे। अगर सीएम तक हमारी बात की सुनवाई नहीं होती तो हम इस बात को कोर्ट तक भी ले जाएंगे। इस तरह कोर्ट में जाने की बात कही है अभी आपने और मुख्यमंत्री से मिलने की बात भी कही है, क्या लगता है आपको ये डीडी पावर कम क्यों की जा रही है? इससे पहले भी एक बार इस तरह का मामला जो है सामने आया था, जब भी गोहाना में एक मीटिंग की गई थी तब भी इस आवाज़ को उठाया गया था। कुछ समय पहले भी ये निर्णय लिया गया था लेकिन हम सब ने मिलकर चेतावनी दी थी और इस डिसीजन को रोक दिया गया था। अब फिर से सरकार ने डिसीजन लिया है, ये कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि ये डायरेक्ट चुनाव हुआ है और लोगों का विश्वास हम पर बना है, उनकी उम्मीदें भी हमसे बढ़ गई हैं, तो हमारी पावर को कम कर हम पर ये डाउट किया जा रहा है, बल्कि ये कहेंगे कि हमें चोर साबित करने का काम कर रही है सरकार। हमें इस बात का गुस्सा भी है और इस आक्रोश के साथ हम इस आंदोलन को आखिरी लड़ाई तक लड़ेंगे। सरकार अगर अपना फैसला जो है वापस नहीं लेती तो अगला रुख क्या रहेगा? सरकार अगर अपना फैसला नहीं लेती तब तक हम इस आंदोलन को चलाएंगे और हमें उम्मीद है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे। सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जो नगर परिषद की जो चेयरमैन हैं, जो अधिकारी हैं, उनका जो डीडी पावर कम की जा रही है, इसके विरोध में जो है जो नगर परिषद की जो गोहाना नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी बिरवानी का कहना है कि देखिए वो इस मामले को लेकर जो है मुख्यमंत्री से मिलेंगे, अगर उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा तो कोर्ट में भी जाने को मजबूर होंगे। गोहाना से पंजाब केसरी के लिए सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।